जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिस इज केडेंस लो हैंड्स दैट आई हैव, दिस गिटार दैट आई हैव इज केडेंस लो हैंड्स। इसकी एक स्ट्रिंग आज ही टूटी है, इफ यू सी हियर दिस इज ब्रोकन राइट, गोज अलोंग वे लाइक दिस। ओके सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ स्पून बेसिकली टू, ये बेसिकली पिंस हैं, दिस इज द ब्रिज, द ब्लैक एरिया दैट यू सी हियर, एंड दिस इज द स्ट्रिंग दैट हैज बीन ब्रोकन, द पिन बेसिकली। सो आई विल जस्ट यूज द स्पून टू पुल इट अप। थोड़ा सा ऊपर करके ये इजीली बाहर आ जाती है, ये देखिए ये बाहर आ गई है, एंड द गिटार स्ट्रिंग इज हियर ब्रोकन थी। बेसिकली आप देख पा रहे हैं मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर लगा दी है पिन के अंदर। सो बेसिकली आपको क्या करना था सिंपली कि इस डायरेक्शन में आपको स्ट्रिंग अंदर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली लॉक इट विद द पिन। आपको पिन इंसर्ट करना है थोड़ा टाइटली, मतलब मीडियम स्केल पे आपको जस्ट उसको प्रेस करना है और ये ऊपर नहीं आएगा, पर यू सी ये अच्छे से टाइटन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये वाली हमारी टूटी थी, मैंने इसको पिन के अंदर डाला है, एंड देन आई हैव टू ब्रिंग इट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्लीक सा पैसेज है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रिंग को रखा और मेरे जो बी स्ट्रिंग है वो टूटी है, तो बी फॉर बॉल उसी दस में, तो ये टूटी थी, तो मैंने क्या करा है इसके अंदर एक होल होता है, सो मैंने उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग डाली है, एंड देन आई जस्ट हैव टू सिंपली टिल्ट इट अ बिट, मुझे थोड़ा उसको टर्न करना है वायर को, एंड देन आई सिंपली हैव टू रोटेट द की एंटी क्लॉकवाइज। देख पा रहे हैं अपने आप टाइटन हो रही है। सो इफ यू सी दिस इज डन, अच्छे से हमारा जो स्ट्रिंग है वो लग चुका है, ट्यूनिंग भी कम है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया था, एंड देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन, एग्जैक्टली हाउ वी वांट।